वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी, और क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्टेड और शेयर टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड और शेयर बाय एन एलिमेंट टू फुलफिल इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, एक वे आप याद रखना। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगा इफ इट इज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट सेल में कंटेन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन और इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अगर लास्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या करेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। सी हियर सोडियम, आई एम टेकिंग सोडियम हियर, सोडियम का लास्ट सेल में कितना हो रहा है, तो लास्ट सेल वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो 2 8 एंड 1, सो लास्ट सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इज इक्वल्स टू 1। सिंस इफ इट कंटेन नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इफ इट इज लेस देन 4, अगर लास्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका वैलेंसी हो गया। अगर लास्ट सेल में 4 से ज्यादा होता है तो 8 माइनस दैट इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन देखिए 2 8 एंड 7, सो इट मोर देन 4, सो 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। सो सी हियर नाइट्रोजन 2 एंड 5, सो ग्रेटर देन 4, 8 माइनस 5 इट इज 3। कार्बन, सो वी हैव कार्बन, सो एटॉमिक नंबर 6, 2 एंड 4, लास्ट सेल कंटेन 4, तो 8 माइनस 4 इट्स वैलेंसी इज इक्वल्स टू 4। सेम वे आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, वी नो 8, तो 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 एंड 6, लास्ट सेल कंटेन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, सो क्या करेंगे, 8 माइनस 6, सो वैलेंसी विल बी 2। होप सो आपको वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया।